हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपकी यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। कितना 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों RRB ग्रुप डी NTPC SSC पुलिस, जो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, दोस्तों पूरा क्लास लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। याद रखिए कि PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों चलिएगा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे। क्या देखिएगा, चलिएगा, रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल में लगे कॉर्क में मुख्य रूप से पाया गया, तो याद रखिए क्या, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए लिपिड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल में लगे कॉर्क में मुख्य रूप से पाया गया, तो याद रखिए लिपिड, ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो याद रखिए किसको, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा किसको, क्योंकि कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। क्या देखिएगा, लाइसोसोम भंडार है, तो याद रखिए लाइसोसोम भंडार है किसका, तो दोस्तों याद रखिएगा जल अपघटक एंजाइमों का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या, लाइसोसोम भंडार है, तो याद रखिए जल अपघटक एंजाइमों का, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिए कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए जीवाणु, याद रखिए जो कि जीवाणु है जो यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांच देखिएगा। क्या है, कोशिका का जीवित अंत जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है, तो याद रखिए किससे बना होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कोशिका द्रव केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से, याद रखिए बना होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्लोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छह देखिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का विनिमय होता है, तो याद रखिए किस प्रकार होता है, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विनिमय होता है, तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं। क्या देखिएगा, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो याद रखिए वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो याद रखिए किसमें, तो याद रखिए जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो याद रखिए जीवाणुओं में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि में मरम्मत में क्या शामिल है, तो याद रखिए क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि में मरम्मत में क्या शामिल है, तो याद रखिएगा केवल सूत्रीय कोशिका विभाजन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, केवल सूत्रीय कोशिका विभाजन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ देखिएगा। क्या देखेंगे, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट देने कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो याद रखिए क्या कहलाता, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। जो कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो याद रखिए क्या कहलाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखिएगा,
निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो याद रखिए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जीवन का भौतिक आधार है, तो याद रखिए क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। जीवन का भौतिक आधार है, तो याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, तो प्रोटोप्लाज्मा, याद रखिए क्या होता है जीवन का भौतिक आधार, तो प्रोटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो याद रखिए कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो याद रखिए कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या है, केंद्रक, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो याद रखिए क्या करती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो याद रखिए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या है, कोशिका भित्ति एक कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये मत किसने दिया, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइएगा जल्दी, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, याद रखिएगा हक्सले ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया, तो याद रखिए हक्सले ने, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, तो याद रखिए किसने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, तो याद रखिए बाल्यर ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो याद रखिएगा जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा किसमें होता, तो जीवाणु में, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो याद रखिए क्या करते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो किसमें, तो याद रखिएगा अंतःकोशिकीय पाचन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा क्या है, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो याद रखिए अंतःकोशिकीय पाचन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या देखिएगा जाएगा, कड़कीय अंतः प्रद्रव्य जालिका अकड़कीय अंतः प्रद्रव्य जालिका से भिन्न है, तो याद रखिए किससे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा सतह पर राइबोसोम के रखने में, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या कड़कीय अंतः प्रद्रव्य जालिका अकड़कीय अंतः प्रद्रव्य जालिका से भिन्न है, तो याद रखिएगा सतह पर राइबोसोम के रखने में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, याद रखिएगा सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो कौन सा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, देखिए क्या है, जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की गति को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो देखिए क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की गति को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो याद रखिए क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एंजाइम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्या है मानव त्वचा है, तो याद रखिए क्या है मानव त्वचा, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए मानव त्वचा है, तो याद रखिए एक अंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्या देखिएगा निम्न में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, तो याद रखिए कौन होते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, निम्न में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, तो याद रखिए कौन होते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा लवक एवं कोशिका भित्ति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्या देखिएगा निम्न में से
किस संदर्भ में अर्धसूत्री विभाजन सबसूत्री विभाजन से भिन्न होता है? तो दोस्तों किस संदर्भ में, तो याद रखिएगा पहला विभाजन न्यूनकारी तथा दूसरा विभाजन मध्यवर्ती होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या निम्न में से किस संदर्भ में अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन से भिन्न होता है? तो याद रखिए पहला विभाजन न्यूनकारी तथा दूसरा विभाजन मध्यवर्ती होता है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या देखिएगा निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका लाइसोसोम को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या टमाटर में लाल रंग का कारण है? तो याद रखिए टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो याद रखिए किसके कारण होता है लाल रंग का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या है टमाटर में लाल रंग का कारण होता है, तो याद रखिए लाइकोपीन के कारण, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना और प्रकार का एक सही युग्म नहीं है? तो याद रखिए कौन सा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना और प्रकार का सही एक सही युग्म नहीं है? तो याद रखिए कौन सा नहीं है, तो याद रखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स दीर्घ अणु का टूटना, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या ये सही युग्म नहीं, याद रखिएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन गुणसूत्र वंशानुक्रमण का चक्रयान हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, जो कि ये तीनों आपका राइट है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या देखिएगा जीन अणु यानी कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो याद रखिए किसने किया, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा जीन अणु यानी कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो याद रखिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्या देखिएगा पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? याद रखिए किस प्रकार भिन्न होती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, याद रखिएगा क्योंकि कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए किस प्रकार होती है, तो कोशिका भित्ति के द्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद रखिए किस में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद रखिए किस में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम केंद्रक विभाजन के समय कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो देखिए कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम केंद्रक विभाजन के समय कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो याद रखिए प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र पूर्णतः अलग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या है प्रत्येक गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र पूर्णतः अलग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्या देखिएगा गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं? तो याद रखिए गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं, तो क्या लेते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डीएनए व प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं? तो याद रखिए डीएनए व प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्या है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रक को कहते हैं? तो याद रखिए क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रक को कहते हैं? तो याद रखिए क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या कहते हैं एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्या है
जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो यार देखिए क्या अनुपस्थित होता है, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा क्या, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है, तो याद रखिए कितनी होती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह मानव शरीर की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है, तो याद रखिए 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो याद रखिए कौन सी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सेंट्रियोल, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए क्या, सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है तो एक लाइक और तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों थोड़ा आपसे मदद चाहिए, जो कि आप अपने फ्रेंडों को भी बुलाइए, फ्रेंडों से भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।